राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पे और मेरा सेकंड वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आए और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियो सही में आपको पसंद आए। और ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लड्डू गोपाल को भीमा शंकर के जैसे श्रृंगार कैसे करें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमें कुछ सामान पड़ेंगे, मैं बताऊँगा आगे क्या पड़ेंगे। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी चेक कर लिए, इस तरीके से हम श्रृंगार करेंगे। ये देखिए, लड्डू गोपाल को हम पूरा चेंज कर देंगे भीमा शंकर के रूप में। और अब मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मैं भी आपको दिखाता हूँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो ये देखिए, ऊपर लड्डू गोपाल फैन पेज बोल के है, उस पर आप फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर आपको डेली मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। और पहले आप लड्डू गोपाल के सारे ड्रेसेस उतार लें, सब कुछ। तो आपको ड्रेस उतारने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो हमने ड्रेस उतार ली, सारे कंगन गले के हार सब कुछ उतार लिया। तो एक बार मैं कैमरा सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ। और तो कैमरा हमारा सही होते ही तो मैं आपको बताऊँगी हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमारा कैमरा सही हो गया, हमें ज़रूरत पड़ेगी मेन चीज़ वो है चंदन ले लो, या मैं अभी दिखाऊँगा ये गोपी चंदन। आप इन दोनों में से कौन सा भी चंदन ले सकते हो। और कलर्स पड़ेंगे जो नॉर्मल आप लोग गर्ल्स यूज़ करते हो ना सर पर लगाने के लिए, वो अगर वो नहीं है तो आप ये वाटर कलर्स यूज़ कर सकते हो। और आपको वाटर कलर्स के साथ साथ आपको ये ब्रश भी चाहिए। और आपको कुछ अगरबत्ती के लकड़ियाँ या कुछ मतलब छोटी छोटी काड़ियाँ होती है ना, हाँ इस टाइप के आप ले लीजिए, ये सारे यूज़ होंगे। और एक ग्लास में पानी ले लीजिए, क्योंकि आप वाटर कलर यूज़ करेंगे तो पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। और एक कटोरी या बाउल में पानी ले लीजिए, मतलब हम वो चंदन को इसमें घोल लेंगे, इसके लिए चाहिए गोपी चंदन या कुछ भी चंदन हो। तो मैं अभी आपको गोपी चंदन पूरा घोल के अभी आपको बताता हूँ वो कैसा दिखता है। तो अभी गोपी चंदन बाउल में मिक्स हो गया, वो मतलब कटोरी में। तो ये देखो इस तरह हो जाएगा। अब नॉर्मल चंदन ले लिया गोपी चंदन, तो अभी हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप ब्रश ले लीजिए, ब्रश लेके आप मतलब लड्डू गोपाल को कुछ इस तरह सर पे लगाइए। इस तरह मैं लगा रहा हूँ, कान के पास, गले कन, मतलब छाती पे, हर जगह आप लगा लीजिए। पूरे मतलब पूरे बॉडी पे आप पूरा चंदन ही चंदन कर लीजिए, पर थोड़ा फेस पे एक बार मत करना, क्योंकि मैं फेस पे आपको बताऊंगा मतलब कैसा करना है। क्योंकि ज़्यादातर आप लोग फेस पे करते हो तो मतलब आइस ऐसा वो आँख ढक लेती है चंदन, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर रहा हूँ। तो पूरा चंदन लगाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम फेस की तरफ आ गए हैं, तो मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता। तो आप भी कुछ इस तरह आपका लड्डू गोपाल को पूरा बॉडी पर कर देना। अभी फेस का हिस्सा थोड़ा अच्छे से करना, जो अगरबत्ती की काड़ी होती है ना या कुछ भी नॉर्मल स्टिक, वो स्टिक से कुछ इस तरह करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना। आइस का पार्ट छोड़ देना, और बाकी आइस और जो लिप्स मतलब होट होते हैं ना वो पार्ट छोड़ देना। देखो मैं कैसे कोने से कर रहा हूँ, ऐसा आप भी कर लो। तो अब मैंने लेफ्ट कर लिया आंख, अभी मैं राइट आंख कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो को पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। हाँ, होंठ कुछ इस तरह कर लीजिए आप, मतलब नाक के नीचे से। पर याद रखें, मतलब लिप्स का जो भी पार्ट है ना वो पार्ट को मत करें, लिप्स के ऊपर जो पार्ट होता है ना वो पार्ट कन कर लीजिए। तो गाइस अभी हमारे लड्डू गोपाल एकदम रेडी हो चुका है, मतलब रेडी मतलब पूरी तरीके से ना चंदन लगाना रेडी हो गया है। जो भी आपको पार्ट कम कम दिख रहा है तो आप फिर वापस वहाँ लगा के फिर आप कर लें। तो कुछ चंदन या गोपी चंदन लगाने के बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा। मैं अभी आपको राइट लेफ्ट बैक साइड पूरा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह आपका चंदन हो चुका है। तो अभी आपको मैं मिलता हूँ पूरे सूखने के बाद। तो इसको टाइम लगेगा एक या डेढ़ घंटा लगेगा सूखने में। तो ऐसा आपका स्वागत है, फिर हम आ चुके हैं, सूख गया है। तो मैं थोड़ा लोकेशन चेंज कर दी क्योंकि वहाँ बाहर बारिश हो रही, तो मैं अभी घर के अंदर मतलब कमरे में शूट कर रहा हूँ मेरे, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो सूखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका लड्डू गोपाल। अगर मेरा इस कलर में दिखा है, आपको दूसरे कलर में भी दिख सकता है। तो आपको भी रुई चाहिए, एक रुई ले लीजिए। रुई लेके आप लड्डू गोपाल को मतलब पूरे जहाँ मतलब जो सरफेस होता है ना, कोई ऊपर कोई नीचे, एक तरफ कोई मोटा पतला, तो वो आपको सही करना है। तो आप क्या करें, रुई से आपके लड्डू गोपाल को एकदम ऐसा हल्का ऐसा मसल के मतलब वो लेवल एकदम आप सही कर लें। तो अभी मैं आपको ये थोड़ा फास्ट करके दिखा दूँगा और बढ़ते हैं वीडियो के आगे तरफ। Thank you.
तरह मैंने लड्डू गोपाल को करा, आप उस तरह आप करिए अपने लड्डू गोपाल को, और श्रृंगार बहुत बड़ा आएगा। थोड़ा मैंने ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा करा तो थोड़ा चंदन निकल रहा है, तो आप प्लीज़ वो सब मत करिए। तो हमारा अभी ये मतलब ये पार्ट तो हो गया, अभी हम चाहिए कलरिंग। कलरिंग के लिए आप ये कलर्स ले लीजिए और ये ब्रश ले लीजिए। तो अभी आपको कलरिंग करना है लड्डू गोपाल पे। तो मैं एक मतलब एक जो भी ग्लास ले रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा सा ब्रश गीला करूँगा, और मैं अभी एक ब्लैक कलर लूँगा, ब्लैक कलर क्योंकि आईब्रोज के लिए जो मैं दिखा रहा हूँ वो ब्लैक कलर है। तो अभी हम करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज के लिए क्या करें, अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है उससे आप मतलब आईब्रोज की साइड से थोड़ा चंदन ऐसा ऐसा करके आप निकाल दीजिए। अगर आप थोड़ा फोर्स करोगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, और कम करोगे तो मतलब कम निकलेगा। तो अब एकदम हल्के हल्के हाथ से करना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब ये दोनों साइड कर देना, एक राइट साइड, ये देखिए मैं अभी राइट साइड कर दिया, कुछ इस तरीके से आपको करना है। और अभी मैं अभी लेफ़्ट साइड करूँगा, तो आपको लेफ़्ट साइड भी इसी तरीके से करना है। अपने हाथों को एकदम सॉफ्ट, एकदम धीरे से, ना ज़्यादा फोर्स करते हुए करिए, क्योंकि चंदन आपको पता है ऐसा ज़्यादा करने से वो निकल जाएगा और आप फिर मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखो, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा फोर्स कर रहा था इसके लिए वहाँ पे ऐसा आ गया था। अभी आप ब्रश लीजिए, ब्रश लेके आप ब्लैक पेंट से आप मतलब जो मैंने करा है ना स्टिक से, उस पार्ट पे आप ब्लैक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर आपको ब्रश से नहीं हो रहा तो मैंने आपको बताया था गर्ल्स का एक जो होता है ना मेकअप किट, तो चलो मैं आपको किट भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए वो ये है, तो इससे आप ब्लैक कलर ले लीजिए। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये है वो ब्लैक कलर। तो इस ब्लैक कलर का ढक्कन खोल लें, और जो उसके आगे पतली डंडी थी ना उससे जो हमने थोड़ा चंदन रिमूव किया था ना जो आईब्रोज के पास, तो उस पर आप ब्लैक कलर लगा दें ताकि हमें आईब्रोज जैसा दिखे। तो अभी आप उसे लगा दीजिए, ये देखिए मैं लगा रहा हूँ उस तरीके से, आप लेके लगा दें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेंट ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पेंट ब्रश से आप, क्योंकि मेरे थोड़े पेंट ब्रश हाथ काटते हैं। तो ये देखिए मैंने एक साइड कर दिया, अभी एक साइड का भी आप ऐसा कर दीजिए सेम टू सेम। तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, देख लीजिए दोनों आईब्रोज ऐसे दिखेंगे आपको। तो आप क्या करिए, अब रेड कलर ले लीजिए। अगर ये भी नहीं है आपके पास, मतलब जो ये ब्रश नहीं है, सॉरी ये वाला जो स्टिक नहीं है, तो आप ब्रश ले सकते हैं पेंट ब्रश, उससे आप होठों पर रेड कलर कर दीजिए। तो अभी आप वो करने के बाद आप ऑरेंज कलर ले लीजिए। ऑरेंज कलर मतलब जो लड्डू होता है ना जो आप, तो उसका हाथों के गोल साइड एक लाइन बना लीजिए लड्डू की, जिसे मैं बना रहा हूँ। तो मुझे वो स्टिक वहाँ अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने क्या काम किया, मैंने ब्रश ले लिया, ब्रश में ऑरेंज कलर या वो लेके एक सेम टू सेम ऐसा येलो कलर का राउंड एक आउटलाइन कर दिया लड्डू की साइड। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से किया। फिर आप क्या करिए, बीच में डॉट 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 डॉट, जैसे लड्डू पे बूंदी होती है ना छोटी 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 बूंदियाँ, तो उस टाइप के आप डॉट 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 कर दीजिए। तो ये देखिए मैं भी आपको हाथ में लेके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से कर दीजिए। अगर आपको स्पीड दिख रहा हो तो वीडियो रोक के देख सकते हैं। अभी आप काम करें रेड कलर लीजिए, रेड कलर, ठीक है। रेड कलर लेने के बाद रेड कलर हम करेंगे आउटलाइन हाथों के पास, हाथों के पास। अभी आप देखो सेम ऐसे स्टेप्स आप लोग फॉलो करते रहना। तो अभी हाथों के पास मतलब जो नेल्स होते हैं ना, तो उस पर आप फटाफट ऐसा मतलब नेल्स के जैसा आप डिज़ाइन कर दीजिए आप अंगुली के कोने के ऊपर ऊपर, ऐसा हाथों के हो गए। हाथों के होने के बाद आप चलिए फिर दूसरे हाथों की, फिर आप दूसरे हाथों को भी फटाफट उसी तरीके से एकदम डॉट डॉट करके फिर आप पाँव कन कर लीजिए। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर रहा हूँ तो आप समझ जाइए, एकदम डॉट 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 नेल्स कन करना है, जैसे मैं हाथों के पास करूँगा, और सेम आपको सेम टू सेम वैसे आपको करना है पाँव के पास। तो अभी मैं आपको पाँव के पास भी दिखा दूँगा, ये देखो फटाफट मैंने कर दिया है पाँव के पास, कर दिया मतलब कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने डॉट दिख रहे ना आपको, दो डॉट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ऐसा करके पाँच हो गए। तो ऐसा करके पाँच डॉट बना लिए अपने पाँव में, तो ठीक है। अभी आप क्या करिए, आउटलाइन बनाइए सीधा अपने हाथ की तरफ, एक आउटलाइन मोटी सी आउटलाइन कर लेना। ये तो पतली हो गई, थोड़ी सी मोटी कर लेना, मतलब हाथ पे से थोड़ा डिज़ाइन अच्छा दिखेगा ना। आप चाहे वैसा आप कर सकते हो। तो ये दोनों साइड कर लेना। तो एक साइड का हो गया, हम चलते हैं दूसरी साइड। सेम दूसरी साइड भी आप इसी तरीके से कर देना, एक आउटलाइन बना देना स्ट्रेट लंबी सी। तो अभी हमारा बन चुका है, देखो इस तरीके से। अभी क्या करें, रेड पेंट लगे, आप हाथ पे राधा लिखने का ट्राई करें या कुछ भी, आप कुछ नाम अच्छा दिखता है वो ट्राई कर लेना डिज़ाइन के हिसाब से। तो मैंने राधा लिखने का ट्राई किया है यहाँ पे, तो मैंने देखो राधा लिख दिया हाथ पे। तो अभी आप रेड कलर में अपना ब्रश डुबा के एकदम स्ट्रेट लाइन सर पे रखा दे, मतलब जो बिंदी हो जाएगी वो डिज़ाइन हो जाएगा, तो उस तरीके से कर देना आप।
तो फिर आप क्या करें, वाइट कलर की पेंट बॉटल ले, फिर जो रेड कलर की कंधे पे लाइन है ना, तो उस लाइन पे आप डॉट 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 बना दीजिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसा, जिससे आप मतलब कुछ डिज़ाइन आ जाएगा, शेड हो जाएगी तो आपको पसंद आ जाएगा। देखो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग करो। फिर ये मैंने राइट साइड कर दिया, ये अब लेफ्ट साइड कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप डॉट 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 करके और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं हम। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डिज़ाइन। तो अभी आप ग्रीन कलर ले लीजिए, ग्रीन कलर लेके बाद जो रेड कलर की आउटलाइन है उसके पास से एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स है तो आप मल्टीपल्स कलर्स लेके आप कर सकते हो। दोनों साइड करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा आपको लड्डू का पन। तो अब आप एक ग्रीन कलर का डॉट लगा दीजिए वहाँ पे सर के पास। तो अभी हम सर के पास और डिज़ाइन करेंगे, डॉट 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 और लगा देंगे आईब्रोज के ऊपर कुछ इस तरह, जैसा डॉट लगा दी रेड कलर के। तो अभी आप ब्रश में ब्लैक कलर लेके मूछ बना लीजिए एकदम स्ट्रेट लाइन, फिर आप गोल घुमा लीजिए आप मूछ को। अभी मैं आपको दिखाऊँ कुछ इस तरह कर लेना आप। तो ये देखिए अभी मूछ बन रही है। तो ये देखिए इस तरह हमारी मूछ रेडी हो गई है लड्डू गोपाल की। आप गले पे भी डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है बोल के मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आप क्या करिए, सीधा गले का हार पहना दीजिए, गले का हार, फिर इनकी जो भी चूड़ियाँ हैं वो। पहले हम मुकुट पहना देते हैं, ये मुकुट पहना दिया, फिर अब हम पहनाएंगे इन्हें चूड़ियाँ। तो अब हम इनकी चूड़ी पहना देते हैं। तो आप, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, आप गले पे डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई इसके लिए मैंने नहीं किया। तो इस तरह हमारे रेडी हैं। अभी मैं आपको इसके फ़ोटोशूट के पिक्स दिखाऊंगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो ये देखिए फ़ोटोशूट, इस तरीके से मैंने फ़ोटोशूट करके आपको पिक्चर्स दिखा दीजिए। आप इससे भी बेहतर कर सकते हो मुझे पता है। तो बस वीडियो को लाइक लाइक पक्का लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर भी ज़रूर करना ताकि लोगों को पता चले। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।